ये रामचंद्र कहे गए सियासी, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुभेगा दाना दूंगा कौवा मुल्क। और ये जो आज सभी लोग श्रीराम करके जो घूम रहे हैं ना, सब भाग गए। राष्ट्रपति जी ने कहा कि भारत की सभ्यता और संस्कृति नीतियों पर सार्थक संवाद होना चाहिए। अब जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा नीतियाँ सही है या नहीं है, सार्थक संवाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके ऊपर हम आत्मपरीक्षण करें तो लगेगा कि सभ्यता आज इतनी नीचे गिरावट हुई। कल महाराष्ट्र में एक विधायक ने पुलिस थाने में जाकर दूसरे विधायक, दूसरे उनकी पार्टी के दूसरे आदमी पर गोली चलाई। ये हमारी संस्कृति का हनन हो रहा है। संस्कृति की बात करें, सभ्यता की बात करें, तो मणिपुर में जो कुछ हुआ वो देश देश के लिए कलंकित करने वाली बात हुई है। और आज भी मणिपुर शांत नहीं है, इसका उनके वक्तव्य में कई परामर्श नहीं हुआ, उसका मैं खेद प्रकट करता हूँ। सर, किसानों के बारे में भी आपने कहा, किसानों के कानून की बात याद होगी आपको, वो किसानों के कानून आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देश की क्षमा मांगकर वापस लेने पड़े, न भूलना, उसमें 700 किसानों की मृत्यु हुई, कौन जिम्मेदार था इसके लिए, ये भी सोचने की बात है। अब उन्होंने उसके बाद में कहा कि राम मंदिर के निर्माण, बहुत खुश हूँ सर, बहुत खुश हूँ, क्योंकि वंदनीय हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे, उन्होंने इस राम मंदिर के लिए बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा, आग्रह किया। माननीय भारत रत्न आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी 1990 में। ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए जब 1992 में ढांचा गिरा ना, तब ये जो आज सभी लोग श्री राम करके जो घूम रहे हैं ना, सब भाग गए थे। उस वक्त एक ही शख्स था इस देश में कि ढांचा गिरने के बाद सभी ने कहा ये तुम्हारे लोगों ने गिरा, तुम्हारे, तो बोले नहीं नहीं हमने नहीं, हमने नहीं, मेरे पास तो आदरणीय अटल बिहारी जी की क्लिप है, उन्होंने तो उसका दुख व्यक्त किया था। आज ढांचा न गिरता तो राम मंदिर नहीं खड़ा होता, ये भी नहीं भूलना है। और कार सेवकों की कुर्बानी न होती तो भी राम मंदिर नहीं खड़ा होता। वंदनीय बाला साहब ने कहा अगर ये मेरे शिव सैनिकों ने गिराया होगा तो मुझे उस पर गर्व है, ये कहने वाला एक ही हिंदू हृदय सम्राट था, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे। इसलिए राम मंदिर के निर्माण में हमें बहुत हर्ष है, बहुत आनंद है, वो होना चाहिए था, वो हो गया। इसलिए इतना ही कहूँगा, ये जो कुर्बानी है ना, ये मेरे राम भक्तों, वतन के राम भक्तों, जरा आँख में भर लो पानी, मंदिर के लिए जो शहीद हुए उनकी याद करो कुर्बानी, वो न भूलना। वो हम लोग भूल रहे हैं, किसी एक शख्स ने किया, किसी नहीं, जो कोई कभी वहाँ गए नहीं थे वो आज बोल रहे हम कर रहे हैं, वो इतना ही मुझे याद करके देना था। सर, हम उनमें से हैं जिनके लिए रामलला प्यार है, कुछ लोगों के लिए रामलला व्यापार है। हम उनमें से हैं जिनके लिए रामलला प्यार है, कुछ लोगों के लिए राम व्यापार है। हमारे लिए राम नीति, प्रभु राम नीति है, कुछ लोगों के लिए राजनीति है। हमारे लिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कुछ लोगों के लिए प्रभु राम प्रचार उत्तम है, प्रचार के लिए। उसके आगे उन्होंने कहा 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, 80 करोड़ लोगों को मुक्त अनाज दिया जाता है। ये दोनों जो प्रावधान, दोनों जो उनके विचार है, देखिए क्या चीज़ है, 130 करोड़ की आबादी 80 करोड़ मुक्त अनाज दे रहे हैं, हम उनको गरीबी से ऊपर नहीं ला पाए। अब ये 80 और 25 पकड़ो तो 105 करोड़ गए, बाकी क्या कर रहे हैं। सभापति महोदय, उन्होंने कहा बंदरगाह के विकास की बात की, मुंबई बंदरगाह 10 बरस आदरणीय गडकरी साहब ने एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट बनाया था, विकसित करने का बनाया था, विकसित बनाना चाहते हो ना, विकसित भारत। 10 बरस में बंदरगाह के लिए आपने कुछ नहीं किया, मुंबई बंदरगाह के लिए सारा जितने भी उद्योग आए, वो ड्रग पार्क हो, बल्क ड्रग पार्क हो, डिवाइस हो, मेडिकल डिवाइस, सब गुजरात में चले गए। गुजरात में लेके अभी कुछ नहीं है, गुजरात दबा रही है। सर 5 मिनट आज के दिन तो दे दो। और भी बात है कृषि बारे में जो आपने किया है, निर्यात के बारे में, एक्सपोर्ट के बारे में आप करते नहीं हूँ, उसमें देखो प्याज के भाव, किसान बेचारा आज भी परेशान है, आज भी किसान आत्महत्या कर रहा है, उसको भाव नहीं मिल रहा है। एमएसपी की बात मत करिए, झूठ हो रहा है। इसके लिए मैं आपसे आखिरी, आपने कहा तो उन्होंने फिर दोबारा रामलला की बात की उनके भाषण में, तो मुझे इतना ही कहना है कि आखिर फिर दोबारा रामलला की आपने बात की है, तो वही एक भजन बताता हूँ, रामचंद्र कहे गए सियासी, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुभेगा दाना दुनका कौवा मोती खाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक सेकंड, एक मिनट में एक वाक्य और पूरा करे दो। और इसलिए मैं यही अपेक्षा करता हूँ राम मंदिर से, राम राज्य की कल्पना करो, राम राज्य आना चाहिए। अगर राम राज्य आया तो आदरणीय मोदी जी से को सबको, सब लोग के सर पे चढ़ेंगे, लेकिन राम राज्य नहीं चल रहा है, ईडी सीबीआई बीबीआई का राम से चल रहा है। इसके लिए मैं इतना ही कहता हूँ, देखो ओ दीवानो, तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। जय हिंद।